हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे सभी बच्चियों को। चलो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता देंगे कि मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो ताकि हम स्टार्ट कर सके, है ना। जल्दी से यस लिख दो अगर मेरी आवाज आ रही है तो। ठीक है, मतलब सबको आ रही है। सो बच्चे, जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर वन पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, है ना। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, है ना, और उस पे हमने रिविजन्स भी कर ली है। आज की क्लास में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी दो संख्याओं को आप कैसे, जो दशमलव वाली संख्या है, डेसिमल वाली संख्या है, उन्हें आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो और सिमिलरली उनको कैसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आज हम देखेंगे वो। उसके बाद हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, और उनके बाद उनके ऑपरेशंस। सो आगे बढ़ते हैं बेटा। सभी बच्चों को पता है मेरे कि हर क्लास के हमारे रूल्स होते हैं जो हर क्लास में सेम होते हैं, और मेरी क्लास के सभी बच्चे अच्छे से फॉलो भी करते हैं, उसके लिए थैंक यू बच्चों। जब भी मैं कहती हूँ कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, तो आप लोगों को नहीं करना है बच्चे, अननेसेसरी नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, आपको करना है तीन डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेजेस में जाना है, है ना, और अपने डाउट्स जो भी है वो लिख देने हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है पोल, मेरे को पोल में हर एक मेरे बच्चे का आंसर चाहिए, उसी से मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। तीन डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे। एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। तो बेटा पोल में आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। और नहीं समझ आ रहा होगा तो कुछ हम नया तरीका अपना लेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देखेंगे क्या कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल, दशमलवों को आप गुना और भाग। ठीक है, मान लीजिए बेटा मेरे पास दो नंबर है, 2.2, इसकी गुना करनी है 1.3 से। ठीक है, 2.2 इसकी गुना करनी है 1.3 से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी मेरे बच्चों को पता है, बहुत इजी है। क्या करते हैं हम, दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, आप सिंपल संख्याओं को गुना कर दो, मतलब 22 को 13 से गुना कर दो, है ना। तो 3 × 6 गुना का निशान, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब इनको जोड़ दो, नॉर्मल गुना तो मेरे हमारे सभी बच्चों को आती है ना। तो कितना हो गया, 286। अब बात कर लेते हैं दशमलव की। ये तो हमारा हुआ एक स्टेप, स्टेप वन। अब स्टेप टू क्या कहता है कि आप देखो कि दशमलव कहाँ लगेगा। देखो बेटा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, डिजिट है, एक है। यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, एक और एक 2 हो गया। तो आप राइट टू लेफ्ट जाओगे, दाई से बाई तरफ जाते हुए 2 अंकों के पहले दशमलव लगा दोगे। तो 2.86 इसका आंसर है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? मैम वापस समझा दो शुरू से। मैं अभी बताती हूँ, यस यस अभी बताती हूँ, दोबारा से बताती हूँ। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन को दोबारा से लेते हैं। बेटा देखो, गुना करना तो सबको आता है ना। अगर मैं 2.2 है और गुना में 1.3 है, यानी कि 22 और 13 को मैंने गुना कर दिया, तो मेरे पास दोनों को गुना करके बेटा कितना आया, 286, यानी कि 286 आ गया। अब बात करते साइन की। देखो इस दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 ही है ना, 2 मतलब एक ही अंक हुआ ना, और यहाँ भी एक दशमलव के बाद एक ही अंक है ना। एक और एक कितना हो जाता है, 2 हो जाता है ना। तो आप दाई तरफ से बाई तरफ 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। क्या अब मेरी बात समझ आई है? मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगी, डोंट वरी, मैं और भी एग्जाम्पल दूंगी। इतना समझ आया है, यस और नो? चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिख दो, फिर मैं बताती हूँ। और ओके चलो देखो, मान लो बेटा, प्लीज म्यूट रखो, म्यूट रखो, फिर जब कोई डाउट हो तो अनम्यूट कर लेना सोनू की आईडी से बेटा, क्योंकि ना डिस्ट्रैक्शन होगी उससे। हाँ, अब देखो मेरे पास एक नंबर है 2.55, मुझे इसके गुना करनी है 1.3 से, मान लो। ठीक है, मुझे एक गुना करना है 2.55 को 1.3 से गुना करना है। क्या करेंगे, नॉर्मल पहला बच्चा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। हम यहाँ लिखेंगे 255 और 13, 255 को 13 से गुना कर देंगे, 3 × 5 = 15,
हासिल लगा एक, 3 × 5 = 15 और 1 = 16 है ना। हासिल एक, 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7। गुना का निशान आप 1 × 5 से करोगे, 1 × 5 से करोगे, 1 × 2 से करोगे, मतलब नॉर्मल गुना तो बेटा सभी बच्चों को मेरे आती है ना। 11 हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, 7 और 5 = 12 और 1 = 13। 1 हासिल लगा 3, कितना आ गया 3 × 3 = 5, 3,315। अब बात आती है साइन की। ये तो पहला स्टेप है कि गुना करो, गुना तो कर दिया आपने। दूसरा स्टेप कहता है बेटा कि आप दोनों के दशमलव के बाद देखो कितने अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद बेटा 2 अंक है ना, 5 5 2 अंक है ना, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कि 2 और 1 कितना हो गया, 3 अंक हो गए ना। तो मैं क्या करूंगी, दाई तरफ से बाई तरफ जाऊंगी और 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दूंगी। 3.315 मेरा आंसर हो गया जब मैं इन दोनों दशमलव वाली संख्याओं को गुना करती हूँ। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो। कोई बात नहीं, अगर किसी को फिर से डाउट होगा तो मैं फिर से क्लियर करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बता दो जरा, ठीक है। चलो फिर मैं एक नंबर देती हूँ, आप लोग मुझे उसको गुना करके बताओ क्या आएगा, ठीक है। एक नंबर देती हूँ मैं, आप लोग मुझे उसको गुना करके बताओ क्या आएगा। नंबर है बेटा 3.57, इसकी गुना करनी है 1.6 से। चलो सभी बच्चे बताएंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है। 3.57 इसकी गुना करनी है 1.6 से। आराम से पहले कॉपी में कर लेना, फिर मुझे इधर दिखाना, ठीक है। मुझे सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स ही दिखाएंगे, पहले चैट सेक्शन में आपका जो आंसर है वो लिख दो और फिर मुझे अपनी अपनी नोटबुक्स दिखाते जाना, और जिसका मैं नाम लेती जाऊं वो नोटबुक्स बंद करते जाना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं ये सही आंसर है या कोई और। चलो दिखाओ जरा नोटबुक, दिखाते जाओ बच्चों अपनी अपनी जल्दी जल्दी। ठीक है, सोनू कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बाकी बच्चे मेरे दिखाते जाओ बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, डाउट होगा तो मैं, गलती होगी तो मैं डिक्लेयर कर दूंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, हमारा देख लो हम दिखा रहे हैं। हाँ बेटा सभी दिखाते जाओ, मैं अपने आप देख देख के नाम बोलती जाऊंगी, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, सुनील की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है। हाँ बेटा किरण बाला की आईडी से बेटा मुझे याद है, कुमारी दिव्या की आईडी से, वेरी गुड बेटा, शिप्रा कुमारी की आईडी से भी, वेरी गुड बेटा, बिट्टू की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। और बाकी बच्चे, शिप्रा कुमारी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। रमेश सिंह की आईडी से बेटा फ्लिप करके कैमरा दिखा दो ना, ऐसे प्रॉपर दिखेगा नहीं मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अमिता की आईडी से, वेरी गुड बेटा, हाँ वेरी गुड। मैम कैसे होता है पीछे का कैमरा, पता अच्छा, नहीं हमें। अच्छा आपकी स्क्रीन के ऊपर ना जैसे स्पीकर बना होता है ना ऊपर, उसके साइड में गोल गोल सा एक बना हुआ होगा, है ना, उसको दबा देती तो बेटा कैमरा उल्टा हो जाता, मतलब दूसरी तरफ का दिखता है। संजू की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ऋषिपाल जाटव की आईडी से, वेरी गुड बेटा। महेंद्र सिंह की आईडी से, वेरी गुड। प्रिया शर्मा की आईडी से, वेरी गुड। रमेश सिंह की आईडी से, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब मेरे बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर बता रहे हैं ना। जगबीर की आईडी से, वेरी गुड बेटा। महेंद्र सिंह की आईडी से, वेरी गुड। कपिल जाट की आईडी से, वेरी गुड बेटा। मिताली की आईडी से, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, वर्षा कनक की आईडी से, वेरी गुड बेटा। चलो अभी बढ़ लेते हैं आगे कि क्या करना था। सिंपल था बेटा, हमें नॉर्मल गुना करना था पहले 357 को 16 से, है ना। तो मैंने क्या किया, अनिल सैनी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। तो मैंने इसको गुना किया, सिंपल मेरा 6 × 7 = 42, 2 लिखा, 4 यहाँ लिखा, 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 34, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 6 × 3 = 18, 18 × 19 = 20, 21, है ना।
गुना का निशान और यहाँ से मेरे पास 7, 5, 3 आ गया है ना मैम। ठीक है, यहाँ से मेरे पास 2 आ गया, 4 और 7 मेरे पास। अनिल सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 4 और 7 कितना होगा आपके पास? 7, 11, 11 का 1 यहाँ पर हासिल 1, यहाँ से मेरे पास आ गया 7 और 6 है ना। तो मेरे पास, हमारे पास यहाँ से कितना आंसर आ गया, सॉरी यहाँ से 5 आ गया ना, हाँ 5, 7, 1, 2। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे क्या, किस दशमलव कहाँ लगेगा। ये तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हमारा कहाँ है, दशमलव कहाँ लगेगा है ना। तो मैंने देखा इस दशमलव के बाद 2 अंक है, इस दशमलव के बाद 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाता है, 3। तो मैं यहाँ से 3 के बाद दशमलव लगा है ना, यहाँ से मैं क्या करूंगी, 3 के बाद दशमलव लगा दू, 5.712 हमारा आंसर होगा। और मेरे सभी बच्चों ने, जितने बच्चों ने आंसर किया था बिल्कुल करेक्ट किया था। तो अभी तक इतना समझ आया है कि अगर मेरे पास कितनी भी बड़ी नंबर दशमलव वाली संख्याएं आ जाए, उन्हें अगर गुना करना है तो नॉर्मल गुना करो और फिर दशमलव लगा दो। देखो कितने कितने दशमलव है, दोनों को जोड़ दो और उतने ही दशमलव दाई से बाई तरफ जाके। मैम भेजने नहीं आते हमको, भेजने नहीं आते आंसर, आप बता दो कैसे भेजते हैं। कहाँ पर भेजना नहीं आता बेटा, आपके पास चैट में लिखना नहीं आता, ये कह रहे हो आप? यस मैम। अच्छा बेटा, आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 yes, मैम। उस पे क्लिक करो, वहां पर ऊपर देखो इन, सबसे पहले नंबर पे इन कॉल मैसेज लिखा आ रहा होगा, यस yes, मैम। उस पे क्लिक करो, वहां पर लिखते हैं जाके, ठीक है। इसीलिए मैं सभी बच्चों को कहती हूँ टाइम से ज्वाइन क्या करो है ना। आप लोग 10 मिनट बाद ज्वाइन करते हो, उससे आपका सारा निकल जाता है जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है ना। चलो अगर फिर भी बेटा ना समझ आए ना, तो मैं भी जब क्लास के बाद आप 5 मिनट रुकना, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ लेते हैं। जैसे हमने 2 संख्याओं को बेटा गुना करना देखा ना, वैसे ही मान लो मेरे पास बेटा कैमरा बंद, माइक बंद रखिए सभी बच्चे, इससे नॉइस होगी प्लीज, है ना। अब मेरे पास मान लो 2 दशमलव वाली संख्या है 4.778। अब अगर ऐसी संख्या को दूसरी ऐसी संख्या से गुना करना आ जाए, जैसे 10 से, 100 से, 1000 से, है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आप सिंपल क्या करो, दशमलव वाली संख्या को बच्चे, दशमलव वाली संख्या को ना आप भिन्न में लिख दो, ठीक है। दशमलव वाली संख्या को आप भिन्न में लिख दो। अब भिन्न में तो मेरे सभी बच्चों को लिखना आता है, क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं और जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने हम नीचे 0 लगा देते हैं, यानी कि 3 अंक है ना, तो 3 0 लगा दी 1 के साथ, ठीक है। और ऊपर किससे गुना करना है बेटा, 1000 से करना है ना, तो मैंने देखा 3 0 से 3 0 कट गई, बचा क्या, इस बड़ी संख्या को 1 से गुना करेंगे और नीचे तो 1 ही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4778, यही हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है सभी को? मैं और क्वेश्चन कराऊंगी इस पे, डोंट वरी प्लीज। हाँ बेटा, समझ में नहीं आया। कृष्ण की आईडी से बेटा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, माइक बंद रखिए। हाँ ठीक है, देखो बेटा आपको मान लो ना, एक तो मैंने अभी आपको 2 तरीके बताए, एक तो मैंने एक तरह का क्वेश्चन बताया कि दोनों ही हमारे पास दशमलव वाली कोई कोई संख्याएं हैं, उनको आप कैसे गुना करते हो, नॉर्मल गुना कर देते हो और दशमलव डिसाइड करते हो कहाँ आएगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि मान लो मेरे पास एक संख्या है दशमलव वाली 4778 है ना, इससे गुना करना है 1000 से, ठीक है, इसे आपको गुना करना है मान लो 1000 से। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस दशमलव वाली संख्याओं को आप पहले भिन्न में लिख लो। अब दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव तो सबको आता है लिखना, है ना, हमने सीखा भी था। क्या करते हैं, हम दशमलव हटाते हैं और दशमलव के बाद जो जितने अंक होते हैं ना, जैसे 1, 7 है 2, 3, 3 है ना, 3 है ना, तो आप क्या करोगे, इसको दशमलव हटा दो और नीचे 3 0 लगा दो 1 के साथ, 1 के साथ जितने बाद में 0 के दशमलव के बाद अंक होते हैं ना, उतने 0 लगा देंगे। हाँ बेटा, मैम जितने मान लो 4 है दशमलव है इसके बाद, और इसके बाद जितने भी अंक है उतने ही 0 लगा देंगे, हाँ 1 के नीचे 1 लिख के उतनी 0 लगा देते हैं,
ठीक है, उससे हम बोलते हैं दशमलव से भिन्न में बदलना। ठीक है चलो, अच्छा मुझे इतना बताओ दशमलव से भिन्न में करना समझ आया सभी को? यस मैम। बेटा प्लीज चैट में, यस यस बस चैट में बता दो। मान लो मेरे पास एक दशमलव वाली संख्या, मैं यहाँ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ 2.5, ठीक है, मुझे इसे अगर मान लो भिन्न में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, दशमलव हटाऊंगी, दशमलव के बाद एक ही अंक है ना पांच, तो मैं लिख दूंगी नीचे एक के साथ जीरो, बस एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, इससे हम कहते हैं दशमलव से भिन्न में बदलना। ठीक है, अब देखो उसके बाद वो कह रहा है और गुना में कितना है, तीन जीरो कट जाएंगे ऐसे आएगा। हाँ बेटा, अब इसमें गुना में क्या है, ऊपर क्या है 1000 है, तो आपने देखा तीन जीरो से अंश से हर कट सकता है, तीन जीरो से तीन जीरो कट गई, अब तीनों सारी जीरो तो कट गई, कुछ बचा ही नहीं, तो ये संख्या बची, इस संख्या की गुना आप एक से कर दोगे तो यही संख्या आ जाएगी। अभी मैं और भी एग्जांपल दिखाती हूँ उसके, कॉपी में लिखते जाना बेटा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हाँ बेटा आ गया मैम समझ में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो एक और लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो बेटा मेरे पास एक संख्या है 35.5, ठीक है, मुझे इसे बेटा प्लीज जो भी है चैट में लिखो ना, फिर इकट्ठे में सबके डाउट लूंगी, ऐसे बीच बीच में बोलोगे तो पढ़ा नहीं पाऊंगी ना। हाँ 35.5, ठीक है, इसको गुना करना है मान लो 100 से। ठीक है, उसने बोला 35.5 को 100 से गुना करो और बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, पहले तो बच्चों हम इस दशमलव को भिन्न में लिखेंगे, है ना, दशमलव को भिन्न में लिखेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, सभी बच्चे बताओ चैट सेक्शन में कितना आएगा, दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 355/10। हाँ जी बेटा आज जो है होमवर्क मिलेगा, डोंट वरी, आज से होमवर्क मिलेगा आप लोगों को, है ना, यस बिल्कुल। अब मैंने गुना में देखा कितना है, 100 है, एक जीरो से एक जीरो बच गई, लेकिन अब तो यहाँ पर 10 बचा हुआ है, एक जीरो बची है ना, तो मैं क्या करूंगी इसकी गुना इससे करूंगी, तो कितना आ जाएगा, 355 की गुना 10 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3550। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो मैम? हाँ जो मैंने आंसर दिया ना चैट सेक्शन में वो पहले गलत हो गया था तो मैंने ठीक करके दोबारा भेज दिया। हाँ बेटा मैंने देख लिया था, देख लिया था, डोंट वरी, देख लिया था। ठीक है, वेरी गुड। ओके मैम क्या होता है बात समझा दो। ठीक है ठीक है बेटा, पोल में पूछूंगी मैं, एक मिनट दो मुझे, थोड़ा कॉन्फिडेंट तो आ जाए कि आप लोगों को समझ आने लगा है ना। अच्छा मान लो बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है 2.55, ठीक है, मुझे इसकी गुना करनी है मान लो 10 से। ठीक है 2.55 है, इसकी गुना करनी है 10 से, अब बताओ कितना आंसर आएगा, इसको देखते हैं। ठीक है अब ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को नहीं समझ आया है, ठीक है जिन बच्चों को नहीं समझ ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे दशमलव को पहले भिन्न में लिखेंगे, है ना, तो मैंने क्या किया 2 जीरो हटाई और मैंने लिखा 255/ में कितने जीरो आएंगे, दो अंक है ना, तो नीचे एक के साथ 2 जीरो आ गई। ठीक है अब मैंने गुना में लिखा 10, ठीक है क्योंकि 10 से गुना करने बोल रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहाँ तो बचा ही नहीं कुछ भी, और 255 की गुना जब एक से करेंगे तो 255 आएगा, नीचे कितना बचा है, एक जीरो बची है, यानी कि 10 बचा है। अब आपको पता है अगर मुझे दशमलव जीरो नीचे की जीरो हटानी है तो ऊपर एक जीरो से एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगा दाई से बाई तरफ, सिंपल 25.5। तो आपको यह ध्यान रखना है जब आप दशमलव से भिन्न में बदल रहे हो बच्चों, उसके बाद जब आपने किससे गुना करना है, काट दिया, अगर ऊपर बच रही है तो गुना हो जाएगी, अगर नीचे बच रहा है जीरो तो दशमलव में लग जाएगा उतने अंकों से पहले। क्या इतनी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो। अगर किसी को छोटा सा भी डाउट है कोई प्रॉब्लम नहीं, अब पूछो, अब मैं बताऊंगी जितने मर्जी, बीच में बेटा बीच में बोलने से ना बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसलिए मैंने बोला था, अभी जितनों को डाउट है पूछो मैं आराम से बताऊंगी। यस किसी को, किसी को नहीं, मैम एक और बार समझा दो। ठीक है बेटा आप अभी ज्वाइन हुए हो दीपक की आईडी से,
यस मैम। बेटा इतनी लेट ज्वाइन हो के मैं सारा तो नहीं दोबारा से पढ़ाऊंगी। एक बात तो आप हर क्लास में लेट ज्वाइन करते हो, आधे घंटे बाद ज्वाइन करते हो आप क्लास में, क्यों? चलो क्लास के बाद 5 मिनट रुकना, फिर रिपीट करूंगी बेटा। अभी तो मैं सारा रिपीट नहीं कर सकती, है ना, एक आपके लिए, आप इतनी लेट ज्वाइन हुए हो। चलो सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है 3.55, ठीक है, 3.55 इसकी गुना करनी है बेटा 1000 से, ठीक है, इसकी गुना करनी है 1000 से। चलो सोचो और आंसर मुझे बताओ और कॉपियां दिखा देना, और अगर करते हो बेटा अभी भी किसी को डाउट आ रहा हो ना बच्चों तो भी मुझे बताना, मैं फिर से बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करते हुए अगर डाउट आ रहा हो तो फिर से बता। हाँ बेटा बोलो। मैम थोड़ा बैक वो पीछे से बताना। कौन से पीछे से बेटा, मतलब ध्यान से देखो बच्चों, गलत बता रहे हो आप आंसर, 3.55 है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मेमंसवर गलत हो गया तो दोबारा से चेक पे करके भेज। हाँ दोबारा से भेजो, और फिर मुझे सभी बच्चों की नोटबुक्स दिखाना, क्या कर रहे हो आप, मुझे ये देखना है एग्जैक्टली आप कैसे कर रहे हो, है ना, मुझे ये देखना है। दिखा दे मैम। हाँ बेटा दिखाओ दिखाओ, जो करते जा रहे हो अभी दिखाते जाओ, जो बच्चे करते जा रहे हैं मेरे दिखाते जाओ मुझे। अच्छा अमिता की आईडी से वेरी गुड, प्रिया शर्मा की आईडी से वेरी गुड, सुभाष चंद्र की आईडी से वेरी गुड, पूजा 123 की आईडी से वेरी गुड बेटा, कपिल जाट की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। अच्छा इसमें ना कई बच्चे गलत भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगी, जब मैं समझाऊंगी तब देखना आपने कहां मिस्टेक किया, ठीक है, मैं चेक कर ले रही हूँ आपने कहां का मिस्टेक किया, तो मैं उन मिस्टेक्स को भी लूंगी। महेंद्र सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, पिंकी की आईडी से वेरी गुड, ऋषिपाल जाटव की आईडी से वेरी गुड बेटा, और राकेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, अनिल सैनी की आईडी से वेरी गुड बच्चे, शिप्रा कुमारी की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो अभी हम देखते हैं बच्चों, जो जो बच्चों ने ना मेजर मिस्टेक कहां कहां पर आप लोगों ने की हुई है, ठीक है, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। संजू की आईडी से वेरी गुड बेटा, देखो मैंने क्या बताया, आप पहले इसको दशमलव से भिन्न में बदल लो, ठीक है, तो आपने दशमलव हटाया, दशमलव के बाद दो अंक है ना, यानी कि नीचे दो जीरो आ जाएंगी एक के साथ, 100 आ गया, गुना का निशान लगाया 1000 है, मैंने देखा दो जीरो से दो जीरो कट गई, अब क्या है गुना में एक जीरो है ना, तो आप 355 से 10 गुना कर दोगे, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं ना, एक ही बचा, तो 3550 आ गया। अगर बेटा नीचे बचता है, मैं देखो आप ध्यान से समझो, अगर मेरे पास नीचे जीरो बचता है ना तो मैं दशमलव लगाऊंगी लास्ट में, फिर जितने जीरो बचेंगे दाई से बाई तरफ जाके उतने दशमलव अंकों के बाद दशमलव लगा दूंगी, लेकिन अगर ऊपर बचता है तो हम गुना करते हैं, है ना, क्योंकि गुना का निशान है बेटा, क्या मेरी बात, मेरी सभी बच्चों को एक बच्चे का फिर दशमलव नहीं लगेगा जी, कहां पर लगेगा बेटा, एक तो एक, एक से दशमलव क्यों लगेगा बेटा, किसी भी संख्या के नीचे एक का मतलब दशमलव थोड़ी होता है, वो तो वही संख्या होता है, 5/1 लिखूंगी, 5 मतलब जीरो हुआ तो फिर दशमलव लग जाएगा जी, फिर जीरो, हाँ अगर एक जीरो हुआ तो दशमलव लगेगा एक अंक से पहले, दाई तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। एक क्वेश्चन करा दोगे मैम? हाँ एक और करा दूंगी मैं। अच्छा अभी मेरे बाकी बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं मुझे एक बार बता दो, क्लियरली बता दो बच्चे। अच्छा दीपक की आईडी से बेटा क्लियर हुआ आपको, मैंने एक एग्जांपल और बता दिया, ठीक है चलो अभी एक और लेते हैं। मान लो बेटा मेरे पास एक संख्या है 1.5, इसकी गुना मुझे करनी है मान लो 10 से, कितना आएगा अब बताओ, चैट सेक्शन में बता देना आप कितना आएगा, 1.5 है इसकी गुना 10 से करनी है, बताओ कितना आएगा,
वेरी सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। हाँ जी, आपने क्या किया, दशमलव में था है ना, इसको आपने भिन्न में लिखा है ना, तो पॉइंट हटाया, एक ही अंक है यानी कि 10 आ जाएगा, और ऊपर भी गुना में 10, यानी एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब 15 की गुना एक से करेंगे तो 15 ही आएगा, नीचे एक है तो उसका मतलब 15 ही हो जाएगा। मतलब आपको समझ आने लगा है, बहुत बढ़िया। चलो फिर मैं क्वेश्चन आप पोल में पूछ लू, यस और नो, यस और नो, चलो बताओ जरा, क्या मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लू, यस और नो? यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये रहा, स्क्रीन चली गई। अच्छा एक सेकंड, हाँ बेटा एक सेकंड, एक सेकंड बस, एक सेकंड दीजिएगा, स्क्रीन चली गई होगी आप लोगों की, वन सेकंड बस, अभी आ जाएगी। हाँ जी, अभी देखिएगा सभी को स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। आ गई मैम। हाँ जी, हाँ जी, चलो मैम, थैंक यू मैम। चलो बहुत बढ़िया, आप क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है, क्वेश्चन है ये, आपको क्या करना है, दो दशमलव वाली संख्या है 5.13, इसकी गुना करनी है 13.6 से, ठीक है, 5.13 इसकी गुना करनी है एक, हाँ बेटा नॉर्मल दशमलव की गुना दशमलव से करनी है, दो स्टेप याद है, नॉर्मल संख्या की गुना संख्या से करो, दशमलव के बाद देखो कितने अंक हैं दोनों में, उनको ऐड करो और फिर दाई से बाई तरफ जाके दशमलव लगाओ। अभी करे थे इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, चलो सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए इस पर, करिए, पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में करोगे। अच्छा कॉपियां नहीं दिखानी है बेटा, आपको पता है पोल में कर रहे हैं आप, कॉपियां नहीं दिखानी है, आराम से टाइम लो अपना, कॉपी में करो फिर पोल में करो। नॉर्मल पहले गुना करो दोनों को, सभी करेंगे बेटा, देखो जल्दबाजी में गलत नहीं, ठीक है, आराम से पहले टाइम लो, और एक चीज और करने के बाद ना बेटा सारे अंक देखना, देखो सारे ऑप्शन ना एक जैसी डिजिट के हैं, अंकों के हैं, तो जो आपका पूरा आंसर आएगा ना उसको पहले सारे अंक वाइज अंक देख लेना कौन सा मैच कर रहा है, कहीं बस आगे का देखो। मैम हमारा ठीक है, मैम एक मिनट, बहुत बच्चों का ठीक है जो बच्चे कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बस ये बोल रही हूँ कि सारे अंकों को ध्यान से देखना, एक दो जितने भी पूरी संख्या, क्योंकि सारे एक ही जैसे है ना, देखने में फिर आपको लगेगा कि सारे एक जैसे हैं, इस वजह से। बहुत बढ़िया, सभी करेंगे, मुझे सब बच्चों का आंसर चाहिए, आराम से कॉपी में करो। मैम जी हमारा ठीक है, बहुत बच्चों का ठीक है, पहले आराम से कॉपी में कर लो, मैं दिखाऊं, मैं जब एक मिनट जो करते जा रहे नाम के साथ आ रहा है, और ठीक है नहीं वो अभी मैं समझाऊंगी तब देखना, इससे एक बेटा ये होगा जो बच्चे कर रहे हैं ना वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनको कर ली देते हैं ना, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, और जो मेरे बच्चे अभी ट्राई कर रहे हैं कीप इट अप बेटा, करिए ट्राई और फिर पोल में आंसर कीजिए। वेरी गुड, हमारा ठीक है, मेरे बहुत सारे बच्चों का ठीक है, सही है या गलत अभी हम देखेंगे तब बताऊंगी मैं। मैम हो गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हो गया मैम हमारा, वेरी गुड बेटा, जितने मेरे बच्चों का हो गया वेरी गुड, बाकी मेरे बच्चे अभी ट्राई कीजिए कॉपी में कीजिए पहले बेटा प्लीज, जिनका हो गया वेरी गुड, मेरे पास नाम के साथ आ रहा है, डोंट वरी, वेरी गुड, जो इससे जो बच्चे कर रहे हैं ना उनके ऊपर प्रेशर बनता है ना, उनको करने देते हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे मेरे, सभी बच्चे, मैम हमारा ठीक है, हाँ बेटा काफी बच्चों का ठीक है, जो बच्चे मेरे किया मैक्सिमम काफी बच्चों ने ठीक किया है, अभी देखते हैं हम आंसर निकालते हैं फिर देखेंगे कौन सा आंसर है वो आपका ठीक है या नहीं। अच्छा अभी मेरे को ना सभी बच्चे करेंगे, अभी मुझे बहुत बच्चे रुके, मेरे बहुत सारे बच्चे अभी रुके हुए हैं
है ना। तो पहले कॉपी में बेटा कर लो, फिर मुझे बताओ कौन सा आंसर सही है। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे काफी सारी बच्चियां रुकी हुई हैं। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे आंसर सही हो या गलत हो सबका। हो गया मैम। वेरी गुड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बेटा अभी मैं बोल ही नहीं रही थी, मैं वेट कर रही हूँ सभी बच्चे मेरे कर दें फिर हम आगे बढ़े। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, मेरे अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं बेटा, प्लीज जल्दी जल्दी कर दीजिए। मेरे अभी भी 8 से 10 बच्चे रुके हुए हैं। बच्चों मल्टीप्लाई करिए ना, 505.13 है ना, इसको गुना करना है 13.6 से, है ना, 13.6 से। आपको सिंपल 2 स्टेप है, पहले आप गुना करो फिर उसके बाद दशमलव का डिसाइड करो, है ना। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा मेरा बचा हुआ जल्दी से कर देंगे। 5 सेकेंड और 5 मैम गलत निकल रहा आंसर। नहीं बेटा कहीं पे आप गलत कर रहे हो। 4 3 2 एक 0। अभी भी मेरे 6 बच्चे रुके हुए हैं, कर रहे हो क्या? टाइम चाहिए किसी को? बेटा आंसर हर बच्चे का चाहिए मुझे, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन, है ना, चैट को कर देते हैं हम ऑन। चलो अभी नंबर क्या है हमारे पास, सिंपल सा है, हमने क्या लिखा 513 और 136, इसको हमने गुना किया, है ना, 6 एकम 6, 6 दुनी 12, 6 तिया 18, है ना, 18 का 8 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंजे 30, गुना का निशान, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है, गुना का निशान, 1 से गुना करेंगे 3 1 5, ठीक है, प्लस का निशान, अब दोनों को प्लस किया 8 आ गया 7 और 9 16, 16 का 6 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, है ना, 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 आपका हुआ 8, 8 और 1 9, है ना, और 5 और 1 6, तो कितना आ गया, ये नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारा देख एक बार। हाँ बेटा, यस 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 वेरी गुड। अब हम देखते हैं दशमलव कहाँ आएगा, है ना, तो मैंने देखा इस दशमलव के बाद 2 अंक है, इस दशमलव के बाद 1 अंक है ना, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो मैं क्या करूंगी, दाई से बाई तरफ जाऊंगी और 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दूंगी, तो 69.768। यस बी ऑप्शन, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया, मतलब ज्यादातर बच्चों ने यही आंसर दिया है, वेरी गुड। चलो अभी फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का और आंसर देना है, कहां पर, वही पोल में, 6.367 इसको गुना करना है 1000 से, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको पहले भिन्न में बदलना है, देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, उतनी नीचे जीरो लगा दो, फिर देखो कितनी जीरो कट रही हैं, और उसके बाद देखो कि क्या आंसर आएगा, और ऑप्शंस में से ढूंढो और फिर पोल में कर दो। अच्छा ध्यान से करना, ये मत कहना मैम गलती से गलत हो गया, इसलिए टाइम ले लो लेकिन करो आराम से, ठीक है, कर दीजिए। वेरी गुड।
मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। मैम हो गया। हो गया मैम। इनका होता जा रहा है। वेरी गुड बेटा। मेरे पास आ रहा है नाम के साथ। जो बच्चे कर रहे हैं ट्राई कीजिए, कॉपी में आराम से कीजिए, उसके बाद पोल में आंसर कीजिए। हो गया मैम। आपको आपको पहले भिन्न में बदलना है, उसके बाद देखो अंश और हर में क्या कट सकता है ना, उससे आगे आप सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। मैम दिखाए नहीं बेटा, अभी जब पोल खत्म हो जाएगा ना उसके बाद देखूंगी। बच्चों ध्यान से कीजिए, अगर आप किसी संख्या में मल्टीप्लाई गुना कर रहे हो, 1000 तो वही संख्या आ सकती है क्या? सोचो खुद ही। हाँ बहुत बच्चे वही संख्या लिख रहे हैं। नहीं बच्चे ध्यान से देखो, पहले उस दशमलव से भिन्न में बदलो, पहले भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलते हुए दशमलव तो हट जाता है ना, सोचो तो, दशमलव हट जाता है ना बच्चे। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। बेटा आंसर तो मुझे सबका चाहिए, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड। होगा मैम हमारा। वेरी गुड बेटा। जिनका हो गया वेरी गुड, पर अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं। बेटा सभी करिए, 6.367 इसको गुना करना है 1000 से, करिए जरा। मैं मोर क्वेश्चन भी समझाओगे? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन भी समझाओ। मैं आंसर तो निकल गया लेकिन है ना वो डॉट की कंफ्यूजन हो रही है कहाँ पे। तो बेटा जब आपने दशमलव हटा दिया, नीचे जीरो लगा दी उतनी, तो जब हट ही गया दशमलव, तो फिर उसके बाद जब बच रहा है नीचे देखो, बच रहा है या नहीं बच रहा है? अगर बच रहा है तो दशमलव आएगा ना। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा फिर आगे बढ़ते हैं। 5 सेकेंड और 5 4 पहले तो माइक बंद कीजिए जिसका ऑन है। 2 1 0 चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चों ऑन। देखो सिंपल सा है, आपको मैंने क्या बताया था कि आप पहले इस दशमलव को भिन्न में लिखो, और भिन्न में जब हम इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.67 हटाया ये पूरी संख्या बटे में 1000 आएगा, क्योंकि 3 अंक है ना। अब मैंने गुना में 1000 लिख दिया। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई बच्चे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, बचा कितनी जीरो, एक भी जीरो नहीं बची। और संख्या क्या है, 6300 कितना है, 6300 सब रुक गए, 6367 ठीक है, 6367 को 1 से गुना करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 6367 ही आएगा ना। तो फिर कैसे मेरे बच्चे दशमलव में लिख रहे हैं, 3.6367 कैसे आएगा मैम, दशमलव आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं बेटा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो दशमलव को बदल के पहले भिन्न में लिख दिया, और देखा नीचे भी कुछ जीरो नहीं बची, ऊपर भी जीरो नहीं बची। अगर ऊपर जीरो बचती तो गुना लगा देते,
नीचे जीरो बचती तो दशमलव लगाते हैं, तो बचा ही नहीं ना, तो यही संख्या ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है? क्योंकि कई बच्चों ने आंसर गलत किया है, तो मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेती हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया तो बेटा मैं एक दो क्वेश्चन और समझा देती हूँ। बताओ जरा सभी को मेरी बात समझ आई है, यस और नो? ठीक है मैम। हाँ बेटा, मुझे ये वाली बात नहीं समझ में आई कि भाई वो दशमलव ये जो है ना कहाँ पे लगता है, कब लगता है, ऐसे समझ में नहीं आया मैम मुझे। अच्छा देखो, मान लो मेरे पास एक संख्या है, ठीक है, मेरे पास है 3.35, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप इसे ना भिन्न में लिखो, क्या आएगा भिन्न में लिखोगे तो ये बताओ मुझे, ठीक है। होमवर्क में मैं बेटा बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। मैंने इसको दशमलव हटाया, दशमलव के बाद अंक है, एक अंक है ना, तो मैंने यहाँ पर छह एक अंक के बाद जीरो लगा दी। हाँ बेटा होमवर्क देते हो? हाँ जी बेटा बिल्कुल, ओके मैम, ठीक है। अब मैंने ये बस भिन्न में बदल लिया। अगर मैंने कहा इस संख्या को ना 1000 से गुना करो, तो आपने गुना का निशान लगाया, 1000 लिख दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब यहाँ पर क्या बताया, 335 को गुना करना है 100 से, क्योंकि 100 ही बचा ना, एक जीरो तो कट गई, 100 बचा। अब जब मैं 335 को 100 से गुना करूंगी तो कितना आएगा, 335 को 100 से गुना करूंगी तो मैं क्या करूंगी, दो जीरो लास्ट में लगा दूंगी। तो बेटा जब गुना कर रहे होते हैं तो गुना करके नीचे लगा दे, अगर नीचे बचता है जीरो तो पॉइंट लगता है, अगर नीचे जीरो बची तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि जितनी जीरो होंगी उतने ऊपर दशमलव अंकों से पहले दशमलव लग जाएगा। क्या मेरी बात अब समझ आई है सभी को? यस मैम, यस मैम, यस मैम, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मैं होमवर्क में जो क्वेश्चन दूंगी ना, सभी बच्चे सारे क्वेश्चन करेंगे और उनके बिहाफ पे भी अगर कोई गलत, फिर आपको मतलब क्वेश्चन करते हुए भी दिक्कत आ रही ना, फिर मुझे दोबारा से भी बताना। अभी किसी को डाउट है पहले मुझे ये बताओ, क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ो, चैट सेक्शन में बेटा यस और नो लिख दो, आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने गुना करना देखा ना, वैसे ही दो दशमलव को भाग करना देखते हैं, ठीक है। सिंपल है, भिन्न से भिन्न की भाग सबको आती है, भिन्न से भिन्न को भाग सबको याद है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं, दूसरे वाले भिन्न का व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि उसे उल्टा करके लिख देते हैं, है ना, और गुणा का निशान लगा देते हैं, है ना, यही पढ़ा हुआ है सभी ने। चलो इसको देखते हैं। मेरे पास है बेटा 1.6, इसको भाग करना है 2 से, 1.6 को 2 से भाग करना है। तो मैंने क्या किया, इसको इस दशमलव को पहले मैंने भिन्न में लिख दिया, कितना हो जाएगा 16/10, क्योंकि एक के बाद एक ही जीरो अंक है ना, तो 16/10। अब भाग का निशान 2। अच्छा 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, चैट सेक्शन में बता दो, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2/1 है, इसका व्युत्क्रम 1/2। दोबारा रिपीट करना बेटा, 1.6 को मैम जी। हाँ बेटा, ये 1/2 कैसे है मैम? किसी भी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर मेरे पास कोई भी संख्या है, 2 है, 3 है, तो मैं उसका मतलब क्या होता है, 2/1 होता है ना, 2/1 होता है, 3 है ना, उसके नीचे 1 लगा देते हैं, मतलब उसको कोई मतलब नहीं होता ना। तो जब मेरे पास 2/1 है, 2/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होता है, अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना, है ना। तो 16/10 का 16/10 गुना का निशान, इसका व्युत्क्रम 1/2, 1/2 ही होगा ना। अब अंश और हर कुछ कट सकता है क्या, अंश और हर में देखो मैम, 1/6 को पहले भिन्न में बदल दिया, हाँ, फिर 2 का व्युत्क्रम कर दिया, हाँ जी, और फिर करना है, फिर आप देखो अंश और हर में कुछ कट रहा है, हाँ देखो कट रहा है, 2 × 2 2 8 8 16। अब देखो और कट सकता है, नहीं कट सकता, तो 8 की गुना बेटा 1 से कर दो, 8 की गुना 1 से और 10 की गुना 1 से, 8/10 आ गया, लेकिन ये अगेन कट सकता है, देखो 2 × 2 = 8, 2 × 5 = 10, तो 4/5 हमारा आंसर हो गया। हाँ इसको वहां पे भी तो काट सकते थे, 16 जहाँ पे 16 2 को काटा था,
हाँ यहाँ पर भी काट सकते हो, मैंने तो बेटा बात बच्चों को समझाने के लिए लिखा है, आप यहाँ से भी काट सकते हो, चार और पांच ना, यहाँ भी काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम। वो बस सबको समझ आ जाए ना, एक जगह पे काफी सारी चीजें काट देती तो समझ नहीं आता। हाँ दे दो मैम। बेटा दे रही हूँ, आप लोग पहले सबर कीजिए, पहले समझ लीजिए। मैम मैम 4.778 क्या बोल गए, समझ नहीं आया मैम। 4.778 एंड वो बता रहे हैं 10,000 वाला। अच्छा आपका जो डाउट है ना बेटा, अभी क्लास के बाद रुकना, फिर बताती हूँ, ठीक है? जी मैम। इससे अलग है ना, बताती हूँ, ठीक है? अभी देखो इसमें हमने क्या किया, मैंने आपको दो चीजें बताई। मान लो मेरे पास कोई भी संख्या है, ठीक है, मेरे दूसरा एक क्वेश्चन और लेती हूँ। मान लो मेरे पास है 2.5, मुझे इसे भाग करना है 3.5 से, मान लो सिंपल सा है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इस दशमलव को बच्चों पहले ना सुन लो, उसके बाद अपने डाउट्स दो। बीच में बोलोगे ना तो जो बच्चे समझ रहे होंगे ना उनको भी कंफ्यूजन होगी, है ना? तो दशमलव से पहले मैंने दोनों को भिन्न में लिख लिया, कितना हो जाएगा 25/10, भाग का निशान 35/10, है ना? क्योंकि दशमलव बटा दशमलव बाद एक ही एक अंक है ना। यो है नहीं, यो काट के ग्रुप इस बांगड़ी मार के सबसे नीचे ले आके ये एक्सिट ग्रुप है नहीं, इस बांगड़ी मार के एक बार ये खुले को नहीं हो इसमें, फिर डिलीट का नंबर आऊंगा, फिर डिलीट करके फिर वो डिलीट वाला आ जाएगा। बच्चों प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, आज पूरी क्लास में सबने शोर मचा के रखा हुआ है। बात करनी है मुझसे कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन पे डाउट जरूर पूछिए बेटा, लेकिन बीच में मत बोलो ऐसे, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, उनके जो डाउट है वो पूछ ही नहीं पाएंगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अभी आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया, दोनों मान ली, चुप करवा दो प्लीज। अरे मैं वही बोल रही हूँ, इससे बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आज पूरी क्लास में मैस अप करके रखा हुआ है आप लोगों ने। आई रिक्वेस्ट यू, मैं बच्चे स्कूल का नाम नहीं लेना चाहती, प्लीज बच्चों कोऑपरेट करो तभी समझ आएगा, वरना अदरवाइज मुझे क्लास को म्यूट करना पड़ेगा, इसमें जो बच्चों के जेन्युइन डाउट होंगे ना वो भी रह जाएंगे, समझो आप, ठीक है? अभी देखो मैंने क्या किया, दशमलव से भिन्न में बदल दिया। अभी उसके बाद मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, जैसे भिन्न से भिन्न को भाग करते हैं ना, कि दूसरे वाले का आप व्युत्क्रम कर दो, ठीक है? दूसरे वाले का व्युत्क्रम मतलब उल्टा करके लिख दो, ठीक है? उल्टा करके लिख दो, यानी कि अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। तो मेरे पास कितना है बेटा, 25/10 है, और भाग की जगह मैं गुना का निशान लगा दूंगी, और यहां पर क्या हो जाएगा 10/35, ठीक है? अब देखो मैम जी। हाँ जी बेटा, थोड़ा स्लो से बताइयो। स्लो से बताऊं? अच्छा अगर मैं दशमलव को, हाँ बेटा दोबारा से बता दो। ठीक है, मान लो मैंने दशमलव को भिन्न में बदला, ठीक है? दशमलव को भिन्न में बदलूंगी कैसे आएगा, 2.5 है, इसको दशमलव बदलेंगे 25/10 हो जाएगा, है ना? अगला क्या है, 3.5 है, इसको दशमलव में बदला 35/10, इतना समझ आया दशमलव से भिन्न में कैसे बदला, ठीक है? आप देखो हमेशा बेटा जो दूसरा वाला नंबर होता है ना उसका हम व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम बेटा एक क्वेश्चन पूछने के बाद ना अपने आप को म्यूट कर लिया करो, ठीक है? तो आपने व्युत्क्रम किया, यानी कि अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, ठीक है? तो यहाँ से हो गया 10/35, ठीक है? आप देखो अंश और हर में कुछ कट सकता है क्या, मैंने देखा, यस देखो जी, 10 से 10 कट गया, 10 एकम 10, 10 एकम 10। अब यहां पर देखो 5×25, 5×7=35, ठीक है? अब देखो 1 की 5 की गुना 1 से करनी है, 1 की गुना 7 से करनी है, तो कितना आ गया 5/7, सिंपल। बेटा दो स्टेप है, पहले तो दशमलव से भिन्न में बदल लो, दूसरा वाला जो है ना, दूसरा वाला है उसका व्युत्क्रम कर दो। आपने और काटा है क्या मैम, आपने कहां पर बेटा, नहीं और कहां काटा, गुना ही तो कर दिया, 5 की गुना 1 से, 7 की गुना 1 से, 5/7,
है ना? ठीक, क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस और नो चैट सेक्शन में? यस और नो जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में. ठीक है, ठीक है. तो बेटा इसी पे हम लेते हैं होमवर्क, काफी सारे क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आप लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो ना आए. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे. अभी ले लेते हैं डाउट्स एंड होमवर्क.